शांत वातावरण में किताबों का साथ, कवियों की संगत और कविताओं का माहौल हो तो किसी भी शाम का आनंद दुगना हो जाता है। एक ऐसी ही सुहानी शाम का आयोजन फुल सर्कल बुकशॉप दिल्ली में किया गया। यहाँ के अनौपचारिक वातावरण में अरुण जैमिनी, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य आदि हास्य कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति से श्रोताओं को गदगद कर दिया। ये रहा आपका पहला सवाल, इनमें से किस खिलाड़ी से मिलते हैं मैच फिक्सिंग वाले दलाल? इनमें से किस खिलाड़ी से मिलते हैं मैच फिक्सिंग वाले दलाल? ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी मोहम्मद अजहरुद्दीन, डी महेंद्र अमरनाथ। जी नंबर तीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। जी परसेंटेज तक सीबीआई को नहीं पता। बढ़िया, मेरा मतलब लॉक कर दिया जाए। हाँ, कंप्यूटर सी अजहरुद्दीन को लॉक कर दो। कंप्यूटर से आवाज आई, लॉक मत करो, लॉक कर देखो भाई। अभी तक आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले फुल सर्कल प्रकाशन ने पहली बार आशा किरण आदित्य की हास्य कविताओं की पुस्तक प्रकाशित की है। इसी अवसर पर आशा किरण की इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। फुल सर्कल की एक परंपरा बन गई है कि किसी न किसी लेखक या कलाकार से ही किताब का विमोचन कराया जाता है और उस क्षेत्र से संबंधित एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। पुस्तकों में यह है कि हर महीने 5-6 नई पुस्तकें आ रही हैं। आप किस हद तक एक पुस्तक का विज्ञापन कर सकते हैं? योर बजट्स आर लिमिटेड, बट बाय डूइंग दीज लॉन्च फंक्शंस और मेकिंग पीपल अवेयर कि ये पुस्तक है अवेलेबल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पुस्तकों के विमोचन का यह तरीका काफी अनोखा है। मनोरंजन के साथ किया जाने वाला प्रचार पुस्तक की मार्केटिंग के लिए तो काफी लाभदायक सिद्ध होता ही है, साथ ही काफी रुचकर भी है।